देखने वालों के दिलों पर घी के पीपे की तरह तैर गई पीपा। वेलकम टू GMR। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है पीपा। ये मूवी इसी वीक Amazon Prime OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है। मूवी में मेन लीड में ईशान खट्टर, मृणाल ठाकुर और प्रियांशु पैन्यूली हैं। इनके अलावा जितने भी सहायक कलाकार हैं सभी का काम बहुत ही बढ़िया है। भारत पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाइयों वाली हम कई मूवीज़ देख चुके हैं। हाल फिलहाल ही में हम सब ने शेरशाह मूवी देखी थी। अब 21 पर भी काम शुरू हो चुका है और इस बीच सीधे सीधे OTT पर रिलीज़ हुई है फिल्म पीपा। 3 दिसंबर सन 1971 को आधिकारिक रूप से शुरू हुई भारत पाकिस्तान की लड़ाई से कुछ दिन पहले और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर जो कुछ हुआ उसी की कहानी है पीपा। एक रूसी टैंक का ये नाम 16 पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों ने दिया था और इसके ज़रिए सैन्य कौशल दिखाने की जिम्मेदारी रही सेना की 45 कैवलरी रेजिमेंट के पास। ये एक ऐसा टैंक है जो ज़मीन पर तो चलता ही है, साथ में पानी पर भी तैर सकता है। एक लंबे रास्ते को नदी से पार कर जिस तरह से इन टैंकों ने पाकिस्तानी छावनी पर धावा बोला और फतेह भी हासिल की उसी की कहानी है ये फिल्म। फिल्म आनन फानन में जिस तरह OTT पर रिलीज़ करने का ऐलान हुआ कुछ ही दिन में बिना किसी ढंग के प्रचार से, और ये रिलीज़ भी हो गई। उसकी वजह है 1 दिसंबर को रिलीज़ होने जा रही फिल्म सैम बहादुर। और वैसे भी ये फिल्म ऑलमोस्ट 1 साल लेट रिलीज़ है क्योंकि ये मूवी बहुत टाइम से सिनेमा रिलीज़ का वेट कर रही थी, लेकिन अंत में जाकर इसे OTT पे ही रिलीज़ करना पड़ा। हर हैरी पॉटर को जिस तरह जीवन में एक डंबलडोर की ज़रूरत होती है वैसा ही कुछ हुआ कैप्टन बलराम मेहता के साथ, जब सेना के पहले एम्बिफियस टैंक के ट्रायल के दौरान उसने CO यानी अपने कमांडिंग ऑफिसर का कहना ना माना। शरारत ही कुछ ऐसी हुई कि उन्हें अनुशासनहीनता के दंड स्वरूप उसे डेस्क का काम मिल गया। फिर एक दिन उसे चुनौती दी गई कि इस PT-76 टैंक की 3 फौजियों को ले जाने की क्षमता को बढ़ाकर 4 फौजियों के लिए जगह बनानी है। इस बंदे ने ये कर दिखाया और उसी समय आ पहुँचे वहाँ पर तत्कालीन सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ। सैम ने इस काबिल लड़के को तुरंत फ्रंट पर रवाना करने का हुक्म दिया। अब तक अपने परिवार से अपनी शरारतों के चलते सबके निशाने पर रहा ये नौजवान अपने शहीद फौजी पिता के बूट उठाकर चल निकलता है एक ऐसे मिशन पर जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में अब दी जाती है। भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया और बनाया एक नया देश बांग्लादेश। किसी दूसरे देश की आज़ादी के लिए पड़ोसी देश की सेना से लड़ने का ये अपने आप में एक इकलौता उदाहरण है। 1971 की लड़ाई पर पहले भी कई फिल्म बन चुकी हैं और आगे भी बनती रहेंगी। कभी सनी देओल जैसी गर्जना पर्दे पर सुनाई देगी तो कभी पनडुब्बी में रहकर दुश्मन को चौंकाने के कारनामे पर्दे पर आएंगे, लेकिन इस फिल्म की बात ही कुछ और है। फिल्म के निर्देशक राजा कृष्ण मेनन कहते हैं कि पहली बार जब उन्होंने ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता की किताब द बर्निंग चैफीज पढ़ी तो लगा कि ये फिल्म नहीं बन सकती क्योंकि इतना वजनी टैंक बनेगा कैसे और पानी पर तैरेगा कैसे। किस्मत उनकी भी अच्छी रही और हिंदी फिल्म दर्शकों को ये फिल्म देखने का मौका मिला। ऐसे में अचानक निकल आया एक टैंक जो मेरठ के सैन्य कारखाने में इसकी मरम्मत हुई। फिल्म में ईशान के साथ जो पर्दे पर टैंक दिखाया गया है वह असली PT-76 टैंक ही है। इस टैंक के हमले से धू धू कर जलते पाकिस्तान के चैफी टैंकों के नाम पर ही ब्रिगेडियर मेहता ने अपनी किताब का नाम रखा था द बर्निंग चैफीज। एक ख़ास टाइमलाइन में बनने वाली फिल्मों में कलाकारों, निर्देशक, संगीत, एडिटिंग, डांस डायरेक्शन की 50 साल पीछे लेकर जाना, उसका पूरा एहसास कराना, ये काम बहुत ही शानदार तरीके से इस फिल्म में किया गया है। इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर मुस्तफ़ा स्टेशनवाला की तारीफ करनी तो बनती है। ऐसी फिल्म देखते समय दर्शकों के सामने ये चुनौती होती है कि कैसे वह अपना दिल फिल्म में लगाए रखें, और फिल्म बनाने वाले के सामने ये चुनौती होती है कि शुरू के 25 से 30 मिनट वो कुछ ऐसा दिखाएं कि दर्शक एकदम फिल्म के साथ बंधे रहें। फिल्म पीपा में ये काम बहुत ही बखूबी किया गया है।
इसमें संगीतकार AR रहमान का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने अपने संगीत से दर्शकों को बांधे रखा। रहमान ने अरिजीत सिंह के ज़रिए कुछ ऐसे गाने भी इसमें फिट किए हैं जो फिल्म के टाइमिंग के साथ पूरी तरह फिट बैठते हैं, मतलब कि फिल्म टेक्निकल रूप से भी काफ़ी मजबूत है। अब आते हैं फिल्म के कलाकारों और इसके निर्देशन पर। राजा कृष्ण मेनन की पिछली फिल्म शेफ अगर आपने देखी हो तो आपको समझ आ जाएगा कि पारिवारिक रिश्तों की नब्ज को समझने में और उन्हें पकड़ने में उनका कोई सानी नहीं है। उसके पहले उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई थी, उसमें भी वो अपने आप को पूरी तरह साबित कर चुके हैं। फिल्म पिप्पा इन दोनों अच्छी फिल्मों से भी बेहतर है। केरल में पैदा होने के बावजूद राजा की हिंदी कमाल की है और वह हिंदी पट्टी की पृष्ठभूमि वाले दो भाइयों और बहन की इस कहानी को बहुत ही सम्मानजनक से पर्दे पर उतारने में कामयाब रहे हैं। राजा कृष्ण मेनन की ये फिल्म कायदे से बड़े पर्दे पर रिलीज़ होनी चाहिए थी। फिल्म में जहाँ जहाँ पिप्पा पानी में तैरता है उसे देखने का आनंद वैसे तो IMAX वाले पर्दे पर ही आना चाहिए था, लेकिन वह ना हो तो कम से कम सामान्य फिल्मी पर्दे पर तो इसे दिखाना ही चाहिए था। फिल्म की साउंड डिज़ाइनिंग और संगीत भी सिनेमा हॉल में दर्शकों के चारों तरफ लगे स्पीकर्स के हिसाब से ही है। कलाकारों में ईशान के साथ भी ये संयोग रहा कि 26 साल की उम्र में जंग लड़ने वाले कैप्टन बलराम मेहता की कहानी फिल्माते समय उनकी उम्र भी 26 साल की ही थी। पंजाबी पृष्ठभूमि का ये कैरेक्टर फौज में ही मेजर बड़े भाई अपने से उसकी पटती नहीं है, बहन राधा के साथ वह सुट्टा मारता है। माँ दोनों भाइयों की इस अनबन की तड़प बस आंखों से ही बयां करती है। ईशान ने एक युवा फौजी के रूप में बहुत ही अच्छा काम दिखाया है। पहले फौजी जासूस और फिर छोटे भाई के साथ दोस्ती बनाने के दृश्य में प्रियांशु ने भी अपना असर छोड़ा है। मृणाल ठाकुर के लिए फिल्म में कुछ खास करने को था नहीं, लेकिन फिल्म के सबसे अहम सीन में जब वह याया खान का संदेश डीकोड करती है तो उनके कैरेक्टर के होने का मतलब पूरी तरह साबित हो जाता है। सोनी राजदान का कैरेक्टर भी अच्छा है और उनकी एक्टिंग भी बहुत बढ़िया है। सैम मानेकशॉ के कैरेक्टर में कमल सदाना को देखना बहुत अच्छा लगा। इंदिरा गांधी के कैरेक्टर में हालांकि फ्लोरा डेविड जैकब का चयन कुछ ठीक सा लगता नहीं है। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।